वीडियो में देखिए गाइस, हम बेबी प्लाजो बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमने इस तरीका से 2 फैब्रिक लिया है जिसे हमने 2 फोल्ड कर रखा है। तो यहाँ से हमने देखिए गाइस कपड़े का मेजरमेंट कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ से हमने जो लंबाई इसकी लेंथ वो हमने 13 इंच ले रखी है और जिसकी लाइस चौड़ाई है वो हमने यहाँ से 16 इंच ले रखी है। तो फ्रेंड देखिए, अब हम इस तरीका से इसे फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए गाइस, 4 फोल्ड में हो गया ये फैब्रिक। ये देखिए, पहले तो देखिए गाइस, हम यहाँ से 2 इंच लेंगे बेल्ट के लिए। इस तरीका से 7 इंच पर एक टिक हम यहाँ से मार्क करेंगे और एक हम यहाँ से। इस प्रकार से और यहाँ से गाइस बॉटम हम 6 इंच लेंगे और इस तरीका से। अब यहाँ से हम इसे इस तरीका से गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से देखिए गाइस, हम इस तरीका से इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए गाइस, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है फ्रेंड। अब हम यहाँ से देखिए गाइस, इसकी स्टिचिंग कर देंगे और यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। हमने यहाँ से दोनों साइड से इसमें सिलाई दे दी है। अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से ओपन करेंगे यहाँ से। और ये जो गाइस देखिए, हमने बेल्ट के लिए ये फैब्रिक यहाँ पर हमने इतना एक्स्ट्रा छोड़ा था। अब यहाँ से हम एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरीके से। इस प्रकार से हमें सिर्फ इतना ही छोड़ना है, 1 इंच या करीबन 1.5 इंच, और हम यहाँ से पूरा अनुमे यहाँ तक सिलाई दे देंगे ताकि यहाँ से हमारे इलास्टिक जा सके। हमने इसे बना लिया यहाँ से, देखिए गाइस हमने ऊपर रखा है। तो अब फ्रेंड देखिए, हमें इस तरीका के 2 फैब्रिक चाहिए। इस तरीका से गाइस देखिए, 2 फैब्रिक चाहिए जिसे देखिए हमने 8.5 इंच यहाँ से लिया और इसे देखिए 8.5 इंच इसकी चौड़ाई ली और लेंथ देखिए जिसकी हमने बराबर ही ली है दोनों फैब्रिकों की, यहाँ से 8.5 इंच। आप चाहें तो गाइस देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं इस तरीका से। अब हम इन दोनों में इस तरीका से देखिए गाइस, यहाँ से इस प्रकार से हम इसमें भी और यहाँ से इसमें भी इस तरीका से हम प्लेट बना देंगे चुन्नटे टाइप की, और नीचे से हम इस तरीका से इसे भी फोल्ड कर देंगे और सेम इस तरीका से हम इसे भी यहाँ से फोल्ड कर देंगे। कंप्लीट करनी थी और अब ये जो फैब्रिक लाए देखिए गाइस, अब हम इसको पहले तो सीधा कर लेंगे इस तरीका से। पहले तो हमने इसे सीधा कर लिया, उसके बाद हम इस प्रकार से इसे रख देंगे और एक फैब्रिक को ये सीधा रहेगा और ये गाइस इस तरीका से हम इसे उल्टा रखेंगे। ये देखिए उल्टी साइड है और हमने हाँ यहाँ भी सिलाई अटैच कर ली है। अब हम इस तरीका से यहाँ पर इसमें हम इसे यहाँ से अटैच कर देंगे। तो यहाँ से अटैच कर दिया है, अब हम इस तरीका से इसे यहाँ से इस प्रकार से अब हम इसे यहाँ से अटैच करेंगे। इसमें यहाँ से एक सिलाई दे देंगे हम यहाँ तक, इसे भी यहाँ से अटैच कर लिया है। अब हम इस तरीका से इसे यहाँ से इस प्रकार से देखिए गाइस, यहाँ से इस तरीका से हमारे यहाँ पर रहेगा नीचे की साइड। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ये जो लेस है, अब हम इसको यहाँ से इस तरीका से इसके ऊपर हम इस तरीका से इसमें लेस अटैच कर देंगे दोनों साइड से। और इस साइड से यहाँ से हम इसमें भी यहाँ से लेस अटैच कर देंगे। साइड हमने इसे यहाँ से इस तरीका से हमने लेस इसमें अटैच कर ली फ्रेंड। अब हम इसको वापसी में उल्टा करेंगे, पलट देंगे इस फैब्रिक को इस तरीका से और यहाँ से इस प्रकार से हम बराबरी में एक बराबर में इस तरीका से इसे पकड़ेंगे दोनों साइड से और इस कॉर्नर से भी और यहाँ से इस तरीका से। देखिए हम यहाँ से सिलाई दे देंगे इसमें एक बराबर करके इस कपड़े को। हमने यहाँ से सिलाई लगा ली, अब हम इसे सीधा करेंगे
प्रकार से यहाँ से। और देखिए गाइस ये जो ओपन है यहाँ से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरीका से ये देखिए हमने इलास्टिक की जो लेंथ है वो लेंथ देखिए गाइस हमने 17 इंच ले रखी इलास्टिक लेंथ। तब देखिए हम इसको यहाँ से यहाँ से जो इलास्टिक है हम इलास्टिक पे देखिए 2-3 सिलाई दे देंगे ताकि गाइस पक्का हो जाए। गाइस हमारा बेबी शरारा बनके फ्रंट ही कंप्लीट हो चुका है। और देखिए गाइस अब इसकी जो ऊपर का जो सूट है गाइस देखिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो फ्रेंड अब इसे आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए गाइस। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछना। गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछना। थैंक यू।